पुराने कॉलोनी में परसों रात को उनके शादी थी, तो घर वाले शादी में गए हुए थे। एक उनके रिश्तेदार थी जो वहाँ ऊपर कमरे में थी, तो तीन लड़के थे जिन्होंने पहले राड से ताड़ा तोड़ा, फिर नीचे पहले तो नीचे चोरी करी है, फिर ऊपर गए हैं और ऊपर जाके उन्होंने उनको डरा धमका के लेडीज से और अंगूठी चैन वो जो चीज़ें थी उसकी अंगूठियाँ थी कड़े थे वो निकलवाए थे। इस संबंध में हमारे CIA की टीम ने दो आदमी हमने इसमें पकड़े हैं। एक तो विक्की उर्फ गोंडर है जो 13-14 महीने से जेल में था किसी चोरी के केस में, जो अभी महीना 6 महीने से ही बाहर आया है, और एक इसके साथ राजन नाम का लड़का और है, और एक इनका साथी अभी फरार है। तो तीनों के में से दो हमने अरेस्ट कर लिए हैं, जो चोरीशुदा सामान हमने बरामद कर लिया है। इनसे अभी पूछताछ और करेंगे, इन एक महीने के दौरान और कोई चोरी करी है या कोई और पुरानी चोरी है वो भी देखेंगे, और इसके साथ जो फरार है उससे भी हम उसकी भी तलाश करेंगे। कहाँ के असली ये लोकल दोनों रहने वाले, एक प्रेमनगर का है एक सुभाष नगर का है, दोनों ही लोकल शहर के हैं। दोनों जेल से आए हैं सर? एक जेल से आया है विक्की उर्फ गोंडर और दूसरा उनके साथी नया साथी बने हैं। उम्र कितनी है? नई उम्र के हैं ये, 22-23 साल की उम्र है इनकी। पहले किस मामले में था? पहले चोरी के मामले में बंद था, 14 महीने से जेल में था, अब वहाँ से अंडरग्राउंड में ही सजा होके ये महीना करीब महीना डेढ़ महीना पहले ही बाहर आया है। तो ये घटनाक्रम करके कहाँ थे, कहाँ से? ये घटनाक्रम करके और सामान जेवरात वगैरह करके रात को ही सिरसा क्लब की तरफ निकल गए थे, और इन्हें कुछ सामान वहाँ सिरसा क्लब की तरफ छुपा दिया, बाकी हमने कल आज इनको अरेस्ट किया है। हाँ बरामदगी हुई है उनसे, बाकी और बरामदगी और व्यापक पूछताछ अभी बाकी है। साधन वगैरह सर जो यूज़ किया हो? नहीं, पैदल थे, ये साधन पे नहीं थे, पैदल ही थे, गली से जा रहे थे। इनकी तरीका वारदात यही था, अगर ताला लगा था घर में तो बाहर ताला देख कर इनके भाई ये इसमें घरवाले नहीं है, तो इन्होंने वो राड का वहीं बाहर पार्क की तरफ से राड का प्रबंध करके वो ताला तोड़ा है, ताला तोड़ के अंदर एंट्री करी है। ये पहले इन्होंने की करी है घर के आगे, वो गए हैं, इन्होंने देखा भाई ताला लगा हुआ है, तो अक्सर आमतौर पर यही होता है, जो किसी भी हम पहले भी चोरों को पकड़े तो अक्सर यही होता है, बाहर ताला देखते ही अंदर समझ जाते हैं भाई इसमें इस घर वाले कोई है नहीं, तो इन्होंने भी उसी तरीका वारदात पर वो बाहर ताला लगा देख के ताला तोड़ के अंदर एंट्री करी। पहले गिनती कोई वारदात के सामने? एक वारदात है जिसमें ये जेल में गया था, 14 महीने जेल में रहा था, अंडरग्राउंड की सजा हुई थी इसकी। दूसरे का अभी रिकॉर्ड हम ले रहे हैं, हमारे को अभी रिकॉर्ड मिला नहीं है, दूसरे आसपास के स्टेट में हम और पता कर रहे हैं, थानों में पता कर रहे हैं कोई रिकॉर्ड होगा। इसमें तीन आदमी हैं, वो जो फरार है वो साथी चोर है, वो पहले भी कई चोरियों में है, हो सकता है उसकी गिरफ्तारी होने के बाद काफ़ी चोरियाँ और निकलेगी। ये प्रोफेशनल नहीं है, सिर्फ नशे की वजह से ही ये चोरी, नशे की वजह से ही की है और नशे की पूर्ति के लिए चोरी की।